पूरे इंटरनेट की ये अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। 2024 आधा गया, आओ सालों की मेहनत 4 महीने में करते हो। और यही लॉजिकल अप्रोच लगा करके मैंने 7 दिन में 2 महीने का काम करा है, तब जाकर मैंने ये वीडियो लिखी है। 2024 के 31 दिसंबर को आप मुझे थैंक्स करने हैप्पी न्यू ईयर वाले माहौल में इस वीडियो को खोलोगे और कमेंट करने आओगे। गिव मी योर फ्यू मिनट्स गारंटी है आपकी जिंदगी का ये साल, जिसमें 4 महीने भी ढंग से नहीं बचाओगे जब आप देख रहे हो, ये आपकी जिंदगी का बेस्ट साल बना देगी ये वीडियो। 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में दुनिया करती है, हम 4 महीने में करेंगे क्या? यस, तो सुनते नहीं हो आप। चोकोल यंग राजा था, 100-200 सोल्जर्स के साथ में वो आराम कर रहा था गांव में। खबरी आकर के बोलता है कि सीमा ये अटैक करने वाला है, 1.5 लाख सिपाही के साथ में आ रहा है। ध्यान रहे, आराम वो दुनिया के नजरों में कर रहा था, अपने दिमाग में वो तैयार था। उसने अपने सिपाही से हथियार फेंकवा दिया, झंडा उतरवा दिया, धार्मिक ड्रेस पहन ली, दीवार पर चढ़ गया बहुत बड़ी जहां पर दुश्मन उसको आराम से देख सके, वहां वो अगरबत्ती कर रहा है, लोटे बजा रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, दुश्मनों को अनदेखा कर रहा है। सीमा ये हैरान हो गया, ये क्या कर रहा है, ये नियत्ता इंसान, ये इसके पास कुछ भी नहीं है, ये डर क्यों नहीं रहा है? एंड दिस इज रियल स्टोरी। सीमा ये ने अटैक कैंसिल कर दिया, रिटर्न चला गया। सुनना, चोकोल यंग को स्लीपिंग ड्रैगन बोलते थे, जो आपको बनना है, जो मैं आपको बनाना चाहता हूँ। सीमा ये पहले भी इसके साथ में वॉर कर चुका है, पता है कि ये बंदा आखिर में आकर ये कोई ट्रिक खेल देता है। ये पहला लगता है कि बेवकूफ है, लेकिन अंत में आकर के ये हैरान कर देता है, और आपको भी साल के अंत में इसी तरह से हैरान करना है, जॉन विक की तरह। जॉन विक वाला एटीट्यूड, हथियार नहीं है तो पेंसिल से मार दूंगा। अगर आपका दिमाग, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही हथियार है, तो आपको बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं है। अगर 4 महीने बचे हैं तो उसमें भी आप फोड़ सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कितना टाइम आपके पास में बचा है, इट्स अबाउट कि अब राइट स्ट्रेटजीज के साथ में आप क्या कर सकते हो। चोकोल यंग के पास में वक्त नहीं था, लेकिन राइट स्ट्रेटजी और प्रेजेंस ऑफ माइंड था। 4 महीने चोकोल यंग की तरह स्लीपिंग ड्रैगन बन जाओ, 4 महीने चुप हो जाओ, साल के अंत में आपका रिजल्ट बोलेगा। गोल्स, आइडियाज, प्लानिंग शेयर करके, बात करके आप फेक डोपामिन लेते हो, जो सेम तब रिलीज होता है जब आप अचीव करते हो। तो क्योंकि आप पहले ही मजा ले चुके हो, तो इसलिए आपको काम करने में मजा नहीं आता है। अब आपको 4 महीने गायब करके स्लीपिंग ड्रैगन बना करके आपसे निचोड़ निचोड़ के मेहनत करवाने से पहले ये 8 बकवास आपके दिमाग से निकालनी है, वरना 24 भी बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहला, टाइम मैनेज मत करो भाई, एनर्जी मैनेज करो, फोकस मैनेज करो। क्या करोगे इतने सारे टाइम का? 2 घंटे में वो काम करना है जो 10 घंटे के बराबर का हो। नंबर 2, डिसिप्लिन में मत उलझो इतना। एक काम करने में डिसिप्लिन नहीं चाहिए, 10 तरह के काम करने में डिसिप्लिन चाहिए। हमें 10 नहीं करना है, एक अच्छा करना है। 3, मल्टीटास्किंग छोड़ दो। 2 नाव में पैर रखोगे तो आपका ध्यान आगे जाने में नहीं, नीचे ना गिर जाओ इस पे होगा। 2 नाव पर पैर एक की बात एक रख सकते हो, एक साथ में नहीं। 4, फोमो छोड़ दो। 4 महीने गायब होने से मत डरो, दुनिया वही है, कुछ नहीं छूट रहा। लेकिन अगर गायब नहीं हुए तो साल के अंत में बहुत कुछ छूट जाएगा। मैं खुद गायब हुआ, मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा बनना है तो आपको पहले दुनिया से गायब होना पड़ेगा। 5, क्वालिटी घंटे गलत जगह मत जाने दो। आपकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आपकी क्वालिटी घंटे कहां दे रहे हो। आप कितने ही बड़े खिलाड़ी हो, लेकिन आप 3-4 घंटे ही क्वालिटी फोकस के साथ में, हाइपर फोकस के साथ में कोई काम कर सकते हो। बात का काम ऊपर ऊपर से होता है तो आपकी बैटरी लिमिटेड है, पैसों की तरह खर्च करो। 6, ना देना सको अपने मुंह से बार बार सबको हां बोलकर, अपने पीठ पीछे बहुत सारे लोग मत लगाओ जो आपका वक्त चाहते हैं, पहले ही मना, जस्ट बी लाइक नो। 7, 3 काम से शादी मत करो। अगर आपको 3 काम जरूरी लग रहा है तो आपको एक भी जरूरी नहीं लग रहा है, आपको एक काम इतना जरूरी लगना चाहिए कि आपको पता भी ना चले कि 2 थे। 8, और सबसे आखिरी, छोटा मत सोचो, मकसद इतना बड़ा रखो कि उसको पाना आपको बहुत एक्साइट करे। 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में कैसे पूरा करते हैं, वो 4 महीने में लगा दो। हमारे दिमाग को एक आदत है उसी के पीछे पागल होने की, जहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। गोल इतना बड़ा रखो कि सिर्फ एक सवाल आपके दिमाग में हर वक्त घूमता रहे, वो है कि अगर ये हो गया तो इसका एहसास क्या होगा। सोचो इस वीडियो के बाद में 31 दिसंबर तक आप 10 गुना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए तो उसका एहसास क्या होगा। अपने दिमाग को ना मोमेंट्स बेचो, इसको इमोशंस बेचो, इसको बोलो कि सोचने में इतना मजा आ रहा है, हो गया तो क्या होगा। जिस दिन अफर्मेशन का, सुनना भाई आप सुनते नहीं, जिस दिन अफर्मेशन का तार अपने दिमाग को जो बोलते हो कि ये बनना है, ये पाना है, मैं बन जाऊंगा, मैं बन गया, सही से सबकॉन्शियस माइंड में ये अफर्मेशन कनेक्ट हो गया, ये तार कनेक्ट हो गया, बस फिर खत्म। ये दिमाग आपसे रगड़ रगड़ के मेहनत करवाएगा। ये थी 8 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको नहीं करनी है। पर ये तो केवल इंट्रोडक्शन था क्या? हाँ यस, ये केवल इंट्रोडक्शन था। अब करना क्या है वो सुनो। स्लीपिंग ड्रैगन बनने की बात हमारी अधूरी रह गई थी। स्लीपिंग ड्रैगन क्यों बनना है, अपने इंटेंशन क्यों छुपाने भाई, हम क्या सोचते हैं वो क्यों छुपाना है? क्योंकि सबको इंटेंशन पता चलने के बाद में आपके एक्शंस दुनिया को ध्यान में रखकर होते हैं, आपके गोल को ध्यान में रखकर नहीं होते हैं। यकीन नहीं होता, ये साल भी लगाकर देख लो, यकीन हो जाएगा। काम के पूरा होने तक अपने प्लान को, अपने आइडिया को बचाओ। एक बार राजा ने अपने वजीर को जंगली कुत्तों के बीच छोड़ने की सजा सुना दी। 10 साल का ध्यान रखा लेकिन सजा सुना दी लोगों की बातों में आकर के। वजीर ने कुछ नहीं बोला, वो कहता है कि मुझे 10 दिन दे दो, फिर दे देना मेरे को सजा। 10 दिन तक वजीर ने जंगली कुत्तों की बहुत सेवा करी, अपना बना लिया कुत्तों को। सजा वाले दिन ने कुत्तों ने काटा नहीं, प्यार करा। वजीर बोला, महाराज 10 साल का ध्यान रखा, झूठे इल्जाम में आकर के मुझे फंसा दिया आपने, इन कुत्तों का मैंने सिर्फ 10 दिन ध्यान रखा, ये मुझे काट नहीं रहे, प्यार कर रहे। राजा शॉक्ड, वजीर रॉक्ड। अब सोचो वजीर ने बोलकर मनाया होता कि मैं 10 दिन इसलिए मांग रहा हूँ ताकि मैं इन कुत्तों को अपना बना सकूं। आपको 4 महीने अब अपनी जिंदगी को बदलने के लिए क्यों चाहिए? ये आपके और ऊपर वाले के अलावा
तीसरा किसी को पता नहीं होना चाहिए। पता है बोलने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि लोगों को आपके इंटेंशन पता लग जाते हैं, फायदा है। लेकिन नुकसान यह है कि लोगों को आपके इंटेंशन पता लग जाते हैं। बिस्मार्क ने यह करा, पर्शिया की कब्जे वाली जमीन को पाने के लिए, अपनी कंट्री की जमीन को फिर से पाने के लिए ऑस्ट्रिया को बोला, मैं आपके साथ खेल रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी टीम में हूं, इंटेंशन छुपा के रखे, फायदा दिखा दिया। लेकिन जब जंग जीत ली गई उसके बाद में कहता है मैं तो अपने कंट्री के लिए लड़ रहा था, मैं तो अपने कंट्री की जमीन लेने आया था, लेके जा रहा हूं भाई। 4 महीने मतलब ही बन जाओ, साल के अंत में सबके हो जाना भाई, 4 महीने बाद में हो जाना अपना। तो फर्स्ट टेक अवे क्या क्या लेकर जाना इस वीडियो से, पहली बात 31 दिसंबर तक अपने गोल पर चुपचाप काम करूंगा, गायब हो जाऊंगा, स्लीपिंग ड्रैगन बन जाऊंगा। नंबर 2, बिना स्पेसिफिक नॉलेज गायब होने का मतलब है बस आप सो रहे हो, कोई मतलब नहीं है। जो पाना है उसकी एक प्राइस पे करनी होती है इस दुनिया में, दुनिया के लिए फायदेमंद बनना होता है, वरना आप रिप्लेस हो जाओगे। नॉवल रविकांत कहते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज मतलब जो किसी को सिखाया ना जा सके, अगर किसी और को वो सिखाया जा सकता है तो दुनिया किसी और को सिखाकर आपको रिप्लेस कर देगी। आपकी धाक होनी चाहिए, आपकी धाक होनी चाहिए। एक गुंडे ने इटली के एक शहर को हमले से बचाया, एक गुंडे ने बहुत भला करा, वहां के लोगों ने सोचा यार कि कुछ देते हैं इस गुंडे को, इतने बड़े हमले से बचाया, एहसान का बदला चुकाया जाए। सब सोचने लगे क्या दे इसको, जमीन दौलत तो बहुत छोटी मोटी चीज है, क्या दे इसको। एक ने बोला राजा बना लेते हैं, लेकिन इनको तो राजा बनाना भी छोटा लग रहा था, क्या दे एक काम करते हैं इसको अमर बना लेते हैं, इसको यहीं मार लेते हैं और यहीं मंदिर बना लेते हैं, जिंदगी भर लोग इसकी पूजा करेंगे। एंड दिस इज रियल स्टोरी, उसको सच में मारा गया एंड वहीं पर छोटी सी जगह बना दी। आपको क्या लगता है क्यों मारा उसे? सच में अमर तो नहीं करना था, उसको मारा क्योंकि उस गुंडे की जरूरत नहीं थी। ऐसे गुंडे कहीं आते हैं, दुनिया जीतनी है, दुनिया में बने रहना है तो इस दुनिया को टोनी स्टार्क की तरह थेनोस से बचाना होगा, और वो थेनोस गरीबी हो सकती है, दुख हो सकता है, लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो सकती है, जिसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अरे जो पॉइंट चल रहा है, स्पेसिफिक नॉलेज, जब आप रिप्लेसेबल हो जाते हो लोग कर देते हैं, सच्चाई है, नहीं मानना कोई बात नहीं। तो सेकंड बात क्या लेकर जानी है, 10,000 किक्स मास्टर नहीं करनी भाई, एक किक को 10,000 बार मास्टर करूंगा। अब सुनो तीसरी बात, सारी एनर्जी पूरी ताकत एक बिंदु पर लगा दो जब तक वो जल ना जाए। ग्रेनाइट और मेटल की सबसे अच्छी कटिंग किससे होती है? आप बोलोगे लेजर से होती है, लोग बोलेंगे आरी से होती है, लेकिन बहुत कम लोग बोलेंगे पानी से होती है। मजबूत मेटल को भी पानी की धार से काट सकते हैं, जो कि बहुत ही फोर्स के साथ में एक छोटी सी नली से बाहर आता है। इसी कॉन्सेंट्रेटेड पावर की वजह से एक पानी भी पत्थर को काट लेता है, क्योंकि एनर्जी एक ही जगह लगाई जा रही है। इतने बड़े महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, उनकी बर्बादी का कारण क्या था, जिन्होंने क्या क्या नहीं बनाया। आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जो है, ये बिजली पूरी घरों में, ये इनकी वजह से। कहते हैं कि टाइम मशीन इन्होंने बना ली थी, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने बना ली थी, आर्टिफिशियल बारिश ला सकते थे, एक रिमोट जैसा गैजेट बनाया था उसे भूकंप आ सकता था, 300 से ज्यादा खोजें कर ली थी इन्होंने, पर फिर भी गरीबी में मौत क्यों हुई उनकी? क्योंकि ये अपनी एनर्जी को फैलाते थे। ध्यान देना कैसे लोग अपनी एनर्जी फैला करके बर्बाद होते हैं। जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया और टेस्ला साहब ने इतने पैसों से भरे कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया। क्यों? उनको लगा एक के लिए काम करूंगा, एक पर निर्भर हो जाऊंगा, एक का गुलाम बन जाऊंगा। वही बात कि एक ही बकेट में सारे अंडे मत रखो, बकेट गई तो सब गया, फैलाओ, एक पर ही मत रहो। इसलिए टेस्ला ने इतने बड़े आदमी को कमिटमेंट करने से मना कर दिया कि मैं अपनी एनर्जी को फैलाऊंगा, मैं दर्जनों को हाँ बोलूंगा। उन्होंने दर्जनों के लिए काम करा, एनर्जी फैला दी, एक इंसान के साथ फोकस रहकर काम नहीं करा, जिस वजह से अर्थ के इतने बड़े साइंटिस्ट, मेरा दिल जीत लिया इन्होंने, मैंने वीडियो बनाई इनके ऊपर, इनकी मौत गरीबी में हुई। डार्विन का IQ इतना तेज नहीं था, लेकिन डार्विन थ्योरी हमें पता है क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर एक ही काम करा कि वो ब्लड लेते और उसकी रिसर्च करते। लेकिन उस वक्त के जो गैल्टन थे उनका IQ बहुत तेज था, बहुत होशियार थे, लेकिन वो बार बार फील्ड बदलते, इसलिए इनकी कोई भी चीज़ फेमस नहीं हुई। घोड़े बनो, बतख नहीं। बतख उड़ सकती है, तैर सकती है, चल सकती है, लेकिन कोई भी एक काम बेस्ट तरीके से नहीं कर सकती। और आज इंसानों के लिए सबसे ज्यादा काम में कौन आता है, घोड़ा या बतख? तीसरी बात क्या लेकर जानी है इस वीडियो के बाद से, 31 दिसंबर तक जो सोचा उसी पे टिके रहना है। कैलेंडर दिमाग में छाप दो, दीवार पर लगा दो, रोज टिक मार्क करो कि लक्ष्य पर आज काम हुआ या नहीं, नहीं करा तो लगा दो एक खुद के। चौथी सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचो, हर चीज से इन्फ्लुएंस होने से बचो, हर इंसान से इन्फ्लुएंस होने से बचो। इस चीज की वजह से जीनियस, इंटेलिजेंट, नॉलेज वाला इंसान भी पैरालाइज हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, कंफ्यूज, सब पता है लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस हो रहा है हर चीज से, रोज कुछ नया। क्वीन एलिजाबेथ 1 जब इंग्लैंड की क्वीन थी तब वो अनमैरिड थी, ब्यूटीफुल थी। पार्लियामेंट में मुद्दा डिस्कस हुआ कि हमारी क्वीन का हस्बैंड कौन होगा, जो कि काफी वक्त तक चला, बहस चली, लोग टेंशन करने लगे बूढ़ी हो जाए उससे पहले इनकी शादी करवा लेते, जैसे सबके रिलेटिव्स होते। दो प्रिंसेस के बीच में तो कंपटीशन चल गया किसी देश के कि इस क्वीन का दिल जीतते, पर क्वीन ने दोनों को इक्वल अटेंशन दी। पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने प्रपोजल भेजा कि शादी कर लो, तो इन्होंने ना तो रिजेक्ट करा और ना ही एक्सेप्ट करा। धीरे धीरे सस्पेंस क्रिएट होता गया, डिमांड बढ़ती गई, फेमस पेंटर क्वीन को देवी की तरह दिखाकर पेंटिंग बनाने लगे। एक कवि ने तो क्वीन के लिए वर्जिन क्वीन की तारीफ में पोएम्स लिखना शुरू कर दी और वो फेमस होने लग गई। इंग्लैंड के लोग अपनी रानी को दुनिया की महारानी समझने लग गए। किसी डॉक्टर की प्राइवेट नोटबुक सामने ही पता लगा कि वो उनके साथ में सेक्स करना
करना चाह रहा था, आज की भाषा में बात करूं तो एक बहुत ही खतरनाक ब्रांड वैल्यू बन गई थी। बाकी देश के प्रिंसेस ये सोच रहे थे कि क्वीन को इंप्रेस कर लिया जाए शादी के साथ में, इस देश के साथ में परमानेंट अलायंस जुड़ जाएगी। क्वीन ने इसी ब्रांड वैल्यू का फायदा उठाया, लेवरेज लिया अपनी इमेज का। बड़े बड़े देशों के प्रिंसेस सबने कोशिश की क्वीन को इंप्रेस करने की, पर क्वीन ना तो पूरी तरह से इंप्रेस होती थी और ना ही नाराज होती थी, सबको बस भरोसे रखती थी। जब भी ऐसा माहौल बनता कि इंग्लैंड को किसी और कंट्री से दोस्ती करने की जरूरत होती, तब क्वीन वहां के प्रिंसेस से मिलना शुरू कर देती। एक बार फ्रेंच के दो ब्रदर प्रिंसेस से मिलना शुरू कर दिया। प्रिंसेस क्वीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे दोनों के दोनों भाई। एक प्रिंस ने तो पब्लिकली किस भी कर दिया, क्वीन ने लेकिन अपनी पसंद सस्पेंस रखी, किसी को नहीं बताई, ना किसी से इन्फ्लुएंस हो रही है ना अपने इंटेंशन बता रही है। सुनना ध्यान से, दुनिया जानना चाह रही है कि भाई ये शादी किससे करेगी। फ्रेंच के किंग को यकीन हो गया कि हमारे दो भाई प्रिंसेस में से किसी एक से तो क्वीन पक्का शादी करेगी। लेकिन काम निकल जाने के बाद क्वीन ने दोनों से शादी करने से मना कर लिया। हिस्ट्री में वो वर्जिन क्वीन से जानी जाती है, शादी नहीं करी। भले खुद के देश के लोगों ने, पार्लियामेंट के लोगों ने बोल दिया, सबने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, सिर्फ अपने देश के लिए, अपने मकसद, अपने गोल के लिए कंट्री के प्रिंसेस से नेटवर्किंग करी, शादी नहीं करी। सवाल ये बनता है कि क्वीन एलिजाबेथ वन ने ऐसा करा क्यों? दरअसल वो शादी करना चाहती नहीं थी, उन्होंने अपने कजिन का हाल देख लिया था कि कैसे शादी से पहले रिस्पेक्ट होती है, बाद में हस्बैंड सुनता नहीं है, जिससे देश और क्वीन दोनों को परेशानी देखनी पड़ती है। क्वीन एलिजाबेथ वन के राज में शांति बनी रही क्योंकि ना शादी की, ना दुनिया को अपने इंटेंशन बताया कि शादी वो नहीं करेगी। इन्फ्लुएंस करने वाले लोग, इन्फॉर्मेशन बहुत होगी, लेकिन आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना है। दुनिया को सोचने दो कि आप उनकी क्यों नहीं मान रहे हो। हर बार कारण देने की जरूरत नहीं है, कारण देने से वो चीज आपके लिए खतरा बन सकती है। 31 दिसंबर को सबको पता लग जाएगा, तब तक स्टे फुलिश, पागल रहो। अब सोचो आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है, कौन भटकाएगा आपको, कौन बर्बाद करके रखेगा आपको। आपका 2024, 25, 26, 27 ये जवानी पूरी पटकने में जाएगी। वो है ओवरलोड इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। 10 मिनट में 20 नई बातें पता लग जाती है आपको शॉर्ट रील से। इन्फॉर्मेशन लेने जाना और इन्फॉर्मेशन में भटक जाना, दोनों में फर्क है। आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो, स्मार्ट हो, और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, यही लोग बहक जाते हैं। 2024 भी आपका वेस्ट हो सकता है क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता है एंड आप फिर से किसी और से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, और आपके हाथ में, आपके जेब में वो फोन है जिसके अंदर बहुत इन्फॉर्मेशन है, अनशंड इन्फॉर्मेशन है। इंटरनेट का टोटल डेटा जितना है ना, पूरा टोटल डेटा, वो हर साल में डबल होता है। इसको बोलते हैं द ज़करबर्ग इफेक्ट। अश्वत्थामा सच में नहीं मारा गया था, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, बात फैल गई अश्वत्थामा मारा गया, पर द्रोण को लगा मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया और वो टूट गए। और जिन्होंने ये बात फैलाई, युधिष्ठिर, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये कहानी बताती है कि इंटेलिजेंट इंसान भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस हो जाता है। फोन की एडिक्शन, स्क्रॉल करने की आदत आपको हर बार नया चस्का दे रही है, नया काम, ये करो, वो करो, नई स्किल इसमें नहीं है उसमें है, जिससे आपके दिमाग में शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम पैदा हो रहा है। हमेशा दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखेगा और कभी काम नहीं कर पाओगे। इस वीडियो से अगर एक चीज लेकर जानी है, मेरी पूरी जिंदगी से अगर एक चीज लेकर जानी है, इस पूरे चैनल से अगर एक चीज लेकर जानी है, तो वो है 4 महीने, ज्यादा नहीं कह रहा, 4 महीने एक बार किसी एक काम के गुलाम हो जाओ, दुनिया में राजा हो जाओगे।